गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की सेकेंड यूनिट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सबसे पहले हमें प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए प्रोडक्टिव प्लस एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिटेबल हो या जो यूजफुल हो अगर वो यूजफुल नहीं है या जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो वो एक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिव नहीं कही जाएगी सो so, थोड़ा सा इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं प्रोडक्टिविटी इट इज़ एन ओवरऑल मेज़र ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए गुड और सर्विस मोर स्पेसिफिकली प्रोडक्टिविटी इज़ द मेज़र ऑफ हाउ स्पेसिफाइड रिसोर्सेज आर मैनेज

इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी अगर हम इसके फॉर्मूले में भी देखें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट मैंने आपको पहले भी बताया लेबर प्रोडक्टिविटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल भी और मशीन भी लेबर प्रोडक्टिविटी आउटपुट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स या मेनार्स कैपिटल प्रोडक्टिविटी विल बी आउटपुट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मशीन प्रोडक्टिविटी विल बी आउटपुट डिवाइडेड बाय मशीन आर्स के कितने घंटे मशीन ने काम किया उस फिनिश गुड्स को बनाने में तो ये प्रोडक्टिविटी हम मंथली भी निकाल सकते हैं एनुअली भी निकाल सकते हैं डेली भी निकाल सकते हैं या वीकली फोर्थ नाइटली दैट डिपेंड्स हमने प्रोडक्टिविटी किस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करनी है अब प्रोडक्टिविटी इज ऑफन कन्फ्यूज विद एफिशिएंसी ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं एफिशिएंसी Is the ratio of time needed to perform a task to predetermine standard time? yani usko timely complete kiya that is called efficiency. However, doing unnecessary work efficient, efficiently is not exactly being productive. It would be more correct to interpret productivity as a measure of effectiveness, doing the right thing efficiently, which is outcome oriented rather than. आउटपुट ओरिएंटेड सो हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे थोड़ा सा मैं इस पे और एक्सप्लेन कर देती हूँ एफिशिएंसी इज ए नैरोप्ट वाइल प्रोडक्टिविटी इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट इट इज ए नैरो कंसेप्ट विच परटेन टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ रिसोर्सिस हम रिसोर्सेज को से ज्यादा लेने के चक्कर में हम अनप्रोडक्टिव काम भी कर लेते हैं जबकि प्रोडक्टिविटी इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट दैट परटेंस टू यूज ऑफ ओवरऑल रिसोर्सिज फॉर द प्रोडक्शन ओनली फॉर एग्जाम्पल एन एफिशियंट प्रस्पेक्टिव ऑन मूविंग द लॉन गिवन ए हैंड मोवर वुड फोकस ऑन द बेस्ट वे टू यूज द हैंड मोवर वाइल्ड प्रोडक्टिव प्रस्पेक्टिव वुड इंक्लूड पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग ए पावर मूवर यानि हमें काम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट है टेक्निकल फैक्टर्स जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बेटर होगी फाइनेंशियल फैक्टर्स ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिए हमें फ़िनैंस की रिक्वायरमेंट रहती है तो जितनी ज़्यादा फिनेंस अवेलेबलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हम न्यू टेक्नोलॉजी बाय कर पाएंगे और उतन, उतना ही ज़्यादा हम अपनी आउटपुट को इनक्रीज़ कर पाएंगे नेचुरल फैक्टर्स इट मीन्स हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड अलॉट मैनेजरल फैक्टर्स इट मीन्स ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ ऑल द टेक्निकल फाइनेंशियल एंड नेचुरल फैक्टर्स सो दैट हम इनपुट और आउटपुट के रेशो को मैक्सिमम कर पाए आउटपुट शुड बी मोर इनपुट शुड बी लेस देन प्रोडक्टिविटी बी हाई अगर उल्टा हो आउटपुट विल बी लो और इनपुट विल बी हाई तो प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी सो सोशल फैक्टर्स ऑलो मैटर्स कि सोशल फैक्टर इंक्लूड कि आपका जो है इन्वामेंटल कंडीशंस आपके जो है गवर्नमेंट फैक्टर्स क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स कि वो हमारे पास क्वालिफाइड या एजुकेटेड लेबर है या नहीं है एंड साइज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम उसमें से अटेन कर सकते हैं चांसेज विल बी मोर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं बाई यूज़ ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑप्टीवम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस यू कैन से कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उनको ऑप्टिमम मैक्ममम यूटिलाइजेशन करें या ऑप्टीवम यूटिलाइजेशन करें दैट हम हमें जो है मिनिमम इनपुट यूज़ करना पड़े और मैक्सीम हमारा आउटपुट हो जितना इनमें गैप ज़्यादा होगा उतना ही हमारी प्रोडक्टिविटी जिससे हम कैलकुलेट करके प्रोडक्ट आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं गुड रिलेशन बिटवीन इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय इंप्लॉयर जो चाहता है एम्प्लॉय वैसा ही करे और उनसे अच्छे रिलेशन मेन्टेन करें तो चांसेस ऑफ आउटपुट विल बी मोर फेयर पेमेंट सिस्टम गुड वर्किंग कंडीशन कलेक्टिव बारगेनिंग वर्कर पार्टिसिपेशन यानी वर्कर्स को अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन और फेयर पेमेंट मिल जाए तो वर्कर्स भी उस काम को उतना ही बेटर कर सकते हैं और आउटपुट हमें ज़्यादा दे सकते हैं ट्रेनिंग एंड लेबर वेलफेयर स्कीम्स हमें उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उनका वेलफेयर भी करेंगे तो लेबर अगर हमारा साथ देगी तो हम प्रोडक्टिविटी को उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अडोपशन ऑफ कंट्रोल ट्रेनिंग्स इट मीनस अगर हमारा रेशो जो है वो कम है इनपुट इज़ मोर एंड आउटपुट इज़ लेस देन हमें उनकी कंट्रोलिंग टेक्निक्स पे भी काम करना चाहिए सो दैट कि हमारा जो है आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे इंक्रीज कर पाएँ अडाप्शन ऑफ एक्सटर्नल इन्वामेंट हमें स्वाट भी करना चाहिए स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक एक कंपनी की होती है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को भी हमें स्कैन करके देखना चाहिए कि किन चीज़ों से हम अपारा हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्टन इनपुट टाइम इट मीन्स हमें जो है इनपुट्स या रॉ मटीरियल टाइमली अवेलेबल हो लाइक जस्ट इन टाइम टेक्निक्स है केबेन है अगर हम इन जैपैनी टेक्निक्स को भी यूज़ करें तो हमारे इनपुट टाइमिंग को भी हम शॉर्टन कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इट सिंक्रोनाइजेशन इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स शुड बी स्ट्रोंग एंड इम्प्रूवड सिस्टम से हम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को जहाँ भी हमें लैक लगता है हम उसको साथ के साथ रिमूव करें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज कर सकते हैं वाई या द प्रोडक्टिविटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी सबसे पहले इट इज़ हेल्पफुल इन एप्लीकेशन एलोकेशन ऑफ नेचुरल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सिज प्रोडक्टिविटी के हेल्प से प्रोडक्टिविटी को इनक्रीस करने से हमें नेचुरल और फाइनेंशियल रिसोर्सिस की एलोकेशन में भी ये कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज़न है किन में हमें ज़्यादा फाइनेंस रिसोर्स लगाने चाहिए और हम उनको एलोकेट इजीली कर पाएंगे हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस हम प्रोडक्टिविटी में ईयर वाइज अपने आप से या कम टिव कंपेरिजन फ्रॉम द कंपिटीटर्स कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है या उनकी ज़्यादा है या पर ईयर हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी है तो हम कर सकते हैं और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस भी कर सकते हैं इनिशिएशन ऑफ कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में कि हमारा लेबर से तालमेल अच्छा होना चाहिए कॉर्डियल रिलेशन होनी चाहिए लेबर हमारी जितनी अच्छी और इंप्रूव रहेगी उतने ही ज़्यादा हमारा जो है प्रोडक्टिविटी uh, अटेन हम कर पाएंगे एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इट मीन्स टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हेल्पफुल इन एनालाइजिंग फॉरकास्टिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स कि इकोनॉमी वाइज हमारी प्रोडक्टिविटी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या नहीं है एंड लास्ट हेल्पफुल इन फ्रेमिंग इंडस्ट्रियल एंड फिजिकल पॉलिसी हमारी इंडस्ट्रियल और फिजिकल पॉलिसी में भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवड होती जा रही है कंटिन्यूसली तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल सो ये हमारा प्रोडक्टिविटी का एक छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक था जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है सो so, स्टूडेंट्स इसे आप जो है अपने सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए और अपना ये टॉपिक अपने आप से तैयार कीजिए इट इज़ वेरी ईजी थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स